तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अपने वीडियो बनाकर कैसे डालते हैं, जैसे कि दोस्तों अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैंने अपना ये वीडियो बना करके और कैसे यूट्यूब पर डाला है दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अपने वीडियो बना करके अपने फैमिली में से किसी और की वीडियो बना करके यूट्यूब में कैसे डाल सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा जानकारी के लिए। आपके वीडियो यूट्यूब पर पॉपुलर हो जाते हैं, यदि आपके वीडियो इस पर अच्छे खासे व्यूज आने लगते हैं, मेरा मतलब है यदि आपके वीडियो को बहुत सारे लोग देखने लगते हैं, अचानक से बहुत सारे लोग आपके चैनल पर आते हैं, आपके वीडियोज़ को देखते हैं, आपकी वीडियो को पसंद करते हैं, तो फ्रेंड्स इसके बाद आपके चैनल से यानी कि आपके यूट्यूब चैनल से अर्निंग भी होने लगती है और अच्छी खासी अर्निंग होती है दोस्तों। ओके, तो फ्रेंड्स अब आपको यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है, क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं, तो वो सब कुछ जानने के लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो मैंने बना दिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उस की लिंक मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको फिलहाल बताने वाला हूँ फ्रेंड्स यूट्यूब पर वीडियो कैसे डालते हैं। ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपको पहले यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना कैसा है, ठीक है ना। जो भी वीडियो आपको यूट्यूब पर डालना है तो फ्रेंड्स वो वीडियो आपका होना चाहिए, मेरा मतलब है कि आप अपने कैमरे से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से खुद शूट करिए, उस वीडियो को खुद बनाइए एंड दोस्तों उस वीडियो को बना करके आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं। दोस्तों पहली कंडीशन है यदि आप कैमरे के सामने अच्छा बोल पाते हैं, यदि कोई मिस्टेक नहीं करते बोलने में, तो दोस्तों आप डायरेक्टली यूट्यूब पर डाल सकते हैं। एंड दोस्तों अब बताते हैं कि यदि मान चलिए कि आप कैमरे के सामने बोलते तो हैं लेकिन कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, सभी से हो जाती हैं दोस्तों कुछ गलतियाँ कैमरे के सामने बोलने पर, तो फ्रेंड्स यदि आपसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं एंड अब दोस्तों आप उन गलतियों को काटना चाहते हैं, यानी कि उन जो छोटी छोटी मिस्टेक हुई वीडियो के अंदर, तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को निकालना चाहते हैं अपने वीडियो से, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको एक वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ती है, यानी कि वीडियो एडिटर एप्लीकेशन की, जो कि दोस्तों बहुत सारे वीडियो एडिटर प्ले स्टोर में आपको मिल जाएंगे, वो भी फ्री में, आपको इससे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। फ्रेंड्स यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि आखिर वीडियो एडिटर क्या होता है एंड दोस्तों यदि आप किसी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, ये वीडियो से जो खराब पार्ट हैं तो उसको काट करके बाहर निकालना चाहते हैं एंड उस वीडियो को सुधार करके एक अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं दोस्तों, एक वीडियो को एडिट करना चाहते हैं पूरी तरह से दोस्तों, सब कुछ मैंने एक अलग से वीडियो में कम्प्लीटली बता दिया है कि आपको कौन सा वीडियो एडिटर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्ले स्टोर पर या बड़े या फिर दोस्तों बहुत से यूट्यूबर आपको कई सारे एप्लीकेशन बता देते हैं, तो आपके लिए कौन सा वीडियो एडिटर बेहतर होगा यही सब कुछ उस वीडियो में मैंने बताया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं कि आखिर मोबाइल से या फिर कैमरे से वीडियो शूट करने के बाद वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने वीडियोज़ को बनाने के बाद यूट्यूब पर कैसे डालना है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एंड दोस्तों सिंपली आप देखेंगे कि जो ये यूट्यूब है और एंड दोस्तों ये फ़ोटोज़ है, तो फ्रेंड्स मैं अपने फ़ोटोज़ पर जा करके और एक यहाँ से जो है मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एक ये छोटी छोटी वीडियो है सभी मेरे, तब इनमें से कोई एक वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। ओके, तो मैं इसे काट करके और अब जाता हूँ यूट्यूब एप्लीकेशन पर, तो यूट्यूब एप्लीकेशन पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स अब करना क्या है आपको, कोई भी वीडियो यूट्यूब पर डालने के लिए यानी कि अपना वीडियो यूट्यूब पर डालने के लिए, तो जो ये प्लस का आइकन आपको दिख रहा है तो इस प्लस का आइकन पर ओके करना है, और ओके करने के बाद अपलोड अ वीडियो का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ से अपलोड अ वीडियो का पर क्लिक करके एंड दोस्तों यहाँ से जो भी वीडियो आपको यूट्यूब पर डालना है तो उस वीडियो को क्लिक कर देना है। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बात का याद रखना है, यदि आपका वीडियो 15 मिनट से ऊपर का है तो 15 मिनट से ऊपर का वीडियो यूट्यूब पर आपका नहीं जाएगा। ओके, यदि आप 15 मिनट से ऊपर यानी कि 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो यूट्यूब पर डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो और अलग से बनाया हुआ है, तो 15 मिनट से ऊपर वीडियो डालने के लिए यूट्यूब पर क्या क्या करना पड़ता है तो वो सब कुछ मैंने उस नेक्स्ट वीडियो में बताया हुआ डिटेल से। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा कि दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ओके, क्योंकि दोस्तों उसकी लंबी प्रोसेस है, तो आपको 15 मिनट से ऊपर की वीडियो यहाँ से अपलोड करना है, और यदि आप 15 मिनट से ऊपर का वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो के आई बटन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर या फिर एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि 15 मिनट से ऊपर का वीडियो कैसे अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस वीडियो को डालना चाहता हूँ अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए 6 सेकेंड का वीडियो दोस्तों, तो मैं यहाँ इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों जिस भी टॉपिक पर आपका वीडियो है यानी कि वीडियो पर आपने जो कुछ बताया है तो उसके बारे में थोड़ा सा यानी कि आपने वीडियो किस लिए बनाया है तो यहाँ पर आपको लिख देना है, तो यहाँ तो मेरा किसी टॉपिक पर वीडियो नहीं है, ये मेरा इंट्रो है, तो सिंपली मैं यहाँ पर इंट्रो लिख देता हूँ, और वीडियो के बारे में यहाँ पर आपको
डिस्क्रिप्शन डाल देना, यानी कि वीडियो के बारे में डिटेल से आप बात कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि पूरे वीडियो में आपने क्या क्या चीज़ बताई है, तो सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ भी मुझे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ RK2 Tech। ओके, तो यहाँ मैं इतना लिख देता हूँ। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। ओके, और दोस्तों यहाँ पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। और दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, जो अनलिस्ट का ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं, तो ये अनलिस्ट भी रहता है और पब्लिक भी रहता है, तो आपको यहाँ पर पब्लिक पर ओके कर देना है। ओके, और दोस्तों इस वीडियो को आप अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ से अब आपको अपलोड कर देना है। और दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये आपका वीडियो है, तो यहाँ से योर वीडियोज़ पर जाएंगे तो आपका वीडियो YouTube पर इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जा चुका वीडियो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।